हेलो एवरीवन, टुडे आवर सब्जेक्ट इज गुजराती। सो आज हम ये वाली बुक निकालेंगे, ठीक है। सो बच्चों, लास्ट टाइम हमने ये ढ पढ़ा था, ठीक है। ढ ढेल नो ढ, ठीक है। सो आज हम इसके आगे वाला लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। ढ के बाद आता है अण, ओके। अण बानो अण, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रेस करने के लिए दिया है, ठीक है। सो हमको सीखना है कि अण कैसे लिखते हैं। तो पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ठीक है, अच्छे से निकालनी है आपको। देन क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, देन यहाँ से ऐसा थोड़ा सा उसको खींचकर कर्व बना लेना है, ठीक है बच्चों। वैसे अच्छे नहीं बन रहा है, आप लोगों को अच्छे से बनाना है, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन, देन ऐसे क्रॉस में थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, देन ऐसे कर्व, ओके बच्चों। और यहाँ पर ऐसे आधा कर्व, ओके। देन अण बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ से नीचे से एक और क्रॉस में स्ट्रेट लाइन, देन कर्व छोटा सा, और फिर यहाँ पे बड़ा सा कर्व, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, उसको थोड़ा सा मोड़ देना है, ओके। फिर अण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या बोला है, बोलो अने लखो। तो यहाँ पर भी आपको कैसे करना है, बोल बोल के लिखना है, ठीक है। ण बानो ण, ओके। तो आप सबको यहाँ पर जो दो लाइन दिए ना, वहां पर आपको राइट करना है आना, ठीक है बच्चों। फिर क्या कहा है, ण ने ण साथे जोड़ो। तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में ण दिया है ना बच्चों, तो उसको ण के साथ ही जोड़ना है। ये रा अण, ये रा अण, ये तो ठ है, ये अण नहीं है, सो इसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। ये ड है, ये भी ज्वाइन नहीं होगा, ये फिर से अण है, तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है। और ये लास्ट तो ढ है, वो अण नहीं है, ठीक है। देन क्या कहा है यहाँ पर, अण आवतो होय तेवा चित्र मा रंग पूरो, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि अण किस में मतलब कौन से चित्र में आता है, और उस पर कलर फिल करने, ठीक है, उस पिक्चर में। देन क्या है, हरोड़ में जुदा मूलाक्षर ऊपर क्रॉस करो। सो ये जो रो है ना बच्चों, वहां पर जो डिफरेंट लेटर हो ना, अण से डिफरेंट लेटर हो ना, उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है, ठीक है। ये अण है, ये भी अण है, ये क्या है, ण है। सो ये डिफरेंट हुआ ना, तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है।